पाकिस्तानी आर्टिस्टों के फनबारों की नुमाइश एशिया हाउस लंदन में जारी है। मुंतजमीन के मुताबिक पेंटिंग्स की फरोख से होने वाली आमदनी चैरिटी इदारों को दी जाएगी। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब का हवाला बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईद नियाज़ी। चैरिटी के लिए फंड जमा करने की खातिर 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्टों के फनपारों की नुमाइश एशिया हाउस में जारी है। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद खान का कहना था कि नुमाइश का इंसानियत के जज्बे के तहत मुनक्किद किया जाना काबिले तहसीन है। ये सिर्फ एक आर्ट एग्जीबिशन नहीं है बल्कि ये एग्जीबिशन एक बड़े नोबल कॉज के लिए की जा रही है और इसकी जितनी भी प्रोसीड्स होंगी वो बेसिकली चैरिटी के लिए इस्तेमाल होंगी। पाकिस्तान से आई आर्टिस्ट आमना पटौडी ने कहा कि इस नुमाइश की थीम इंसानियत और खूबसूरत रबते है जो कि पाकिस्तान की असर तस्वीर है। सब चैरिटी के लिए कर रहे हैं और इसमें आर्टिस्ट का काम उनकी पहचान भी हो रही है और पाकिस्तान का नाम भी हो रहा है। ये हमारे पाकिस्तान का ट्रू फेस है। एशिया हाउस के नादिर महमूद व दीगर का कहना था कि नुमाइश का मकसद नए आर्टिस्टों के काम को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। आइडिया इज टू प्रमोट आर्ट from the emerging artists in Pakistan. Also there are quite a few artists from the diaspora here. We hope that sari team ko aur sare derby dekhne wale aa jaye. They thoroughly enjoy the platform today. When I see events like this, it always touches my heart because kindness comes from every source and artists are always people who struggle themselves. Numaish jumme ki shaam tak jari rahegi aur paintings ko kharida bhi ja sakta hai। सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन।